Hello Nation, welcome to my channel DISCLOSE4HUMAN. तो आज का जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है वो सेबी के तरफ से, इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो निकले 120 और इसमें बीईटेक के अलावा भी कुछ और भी ब्रांच अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए इस रिक्रूटमेंट के बारे में पूरा डिटेल्स में मेरे वेबसाइट पे जाके देख लेते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो एट फर्स्ट आप मेरे वेबसाइट पे आ जाइए, आई विल गिव द लिंक इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप वहाँ से डायरेक्ट मेरे वेबसाइट पे आइए, मेरे वेबसाइट पे आके रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन यहाँ पर क्लिक कीजिए। तो जैसे कि मैंने लास्ट अपडेटेशन इस वेबसाइट का सेबी रिक्रूटमेंट का किया था, तो यहाँ पर एकदम पहले ही दिखा रहा है ये। तो रीड मोर करते हैं और इस रिक्रूटमेंट के बारे में पूरा डिटेल्स में जान लेते हैं। तो ये ओपन हो गया, तो दैट इज़ द ऑफिशियल नोटिफिकेशन, सो लेट्स मैक्सिमाइज इट। तो चलिए अब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो एकदम पहले बता देते हैं, सेबी मतलब सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और इसका जो आपका इम्पोर्टेंस जो कुछ डेट्स है वो डेट्स पहले हम लोग देख लेते हैं। तो इस फॉर्म फिलअप का ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है 15 सितंबर से और लास्ट डेट है 7 अक्टूबर। आपको जो कॉल लेटर मतलब एडमिट कार्ड का जो नोटिफिकेशन आएगा वो आपको ईमेल आईडी और एसएमएस से जाएगा। तो इसके लिए आप अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ठीक तरह से प्रोवाइड कीजिए, अगर गलत दे देंगे तो आपको इन फ्यूचर प्रॉब्लम होगा। तो इसका एग्ज़ाम का 3 स्टेज होगा, फेज़ 1, फेज़ 2 और फेज़ 3। फेज़ 1 का एग्ज़ाम का जो डेट है वो 17 नवंबर होगा और फेज़ 2 का जो एग्ज़ाम का डेट है 16 दिसंबर होगा और इंटरव्यू का डेट अभी तक नहीं दिया है। तो चलिए कौन सा स्ट्रीम पे आपका नोटिफिकेशन निकला है देख लेते हैं और उसके साथ साथ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो जनरल स्ट्रीम के लिए टोटल वैकेंसीज 84, जिसमें अगर आपके पास मास्टर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन है या फिर बैचलर डिग्री इन लॉ या फिर बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी या फिर चार्टर्ड फिनेंशियल एनालिस्ट और कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट, इस सातों में से आप अगर आपके पास किसी भी एक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। लीगल के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 18, जिसमें बैचलर डिग्री इन लॉ वाले अप्लाई कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 8, जिसमें ग्रेजुएट इन इंजीनियरिंग चाहिए और कौन सा स्ट्रीम से, और इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वाले, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले एंड कंप्यूटर साइंस वाले अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है इंजीनियरिंग सिविल, तो सिविल वाले अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपका टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 5। तो ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में है इसके अलावा भी आप अगर आपके पास मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन है या फिर ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन विद पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन इन कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो है इलेक्ट्रिकल, इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल, तो इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल के टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 5, जिसमें आपका बीई और बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पे चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, अगर आपके पास सपोज आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री है इलेक्ट्रिकल पे और आप ये भी चूज़ करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, मगर आपको दोनों फीस फिल करना होगा। यहाँ पर देखिए बोल दिया है कि सबमिटेड रिक्वेस्टेड फीस टू बी पेड फॉर ईच एप्लीकेशन, मतलब अगर आप सिविल वालों में से है और अगर आप स्पेसिफिक इस पोस्ट में भी अप्लाई करना चाहते हैं और जनरल में भी अप्लाई करना चाहते तो आप अप्लाई कर सकते हैं, मगर आपको दोनों फीस देना होगा। तो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है एज, तो नेचुरली मतलब जनरल एंड ओबीसी वालों, जनरल वालों के लिए एज है 30 इयर्स तक और ये एज काउंट होगा 31 अगस्त 2018 के ऊपर। तो जैसे कि इस गवर्नमेंट रूल के हिसाब से एज रिलैक्सेशन रहता है तो इधर भी एज रिलैक्सेशन है, SC ST वालों के लिए 5 साल का, ओबीसी वालों के लिए 3 साल का, PWD वालों के लिए 10 साल का, यहाँ पर सब एक सर्विसमैन के लिए 5 साल का ये रिलैक्सेशन है। तो जैसे कि मैंने पहले ही बोला था कि ये एग्ज़ाम 3 स्टेज में होगा, फेज़ 1 में आपका 200 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, फेज़ 2 में आपका 300 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा और फेज़ 3 इंटरव्यू होगा। तो फेज़ 1 में आपका जो टॉपिक रहेगा वो जनरल अवेयरनेस रहेगा, इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, टेस्ट ऑफ रीजनिंग, अवेयरनेस अबाउट सिक्योरिटी मार्केट। तो ये आपका रहेगा टोटल मार्क्स, ये देखिए 5 करके है 40 करके तो 200 और टाइम रहेगा 120 मिनट्स मतलब 2 घंटा। फेज़ 1 में जो 40% ये आपका मिनिमम कट ऑफ दिया है, मतलब कट ऑफ तो 40% नहीं हो तो उससे ज़्यादा होता है, अगर फेज़ 1 अगर आप क्लियर कर लेते हो उसके बाद होगा फेज़ 2। तो फेज़ 2 के लिए जनरल वालों के लिए
मतलब जेनरल वालों के लिए, मतलब जेनरल स्ट्रीम के लिए, जैसे कि मैंने पहले बोला था स्ट्रीम है, जेनरल स्ट्रीम के लिए आपका पेपर वन रहेगा सिक्योरिटी मार्केट, जिसमें आपका 100 मार्क्स होगा। पेपर टू रहेगा इंग्लिश राइटिंग स्किल होगा। पेपर थ्री रहेगा इकोनॉमिक्स एंड सोशल इशूज एंड फिनेंशियल मैनेजमेंट। और यहाँ पर आपका टाइम दे दिया है, पेपर वन के लिए 40 मिनट्स रहेगा, पेपर टू के लिए 1 घंटा, पेपर थ्री के लिए 40 मिनट्स। और लीगल और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग वालों के लिए ये आपका पेपर वन में रहेगा फिनेंशियल सेक्टर से 100 मार्क्स का, जिसमें टाइम होगा 40 मिनट्स। पेपर टू रहेगा इंग्लिश राइटिंग स्किल 100 मार्क्स का, जिसमें टाइम होगा 60 मिनट्स। और पेपर थ्री रहेगा, ये पेपर सिर्फ डिफरेंस है, पेपर थ्री रहेगा अपने अपना स्ट्रीम पे, मतलब सिविल वालों के लिए सिविल का स्ट्रीम पे, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए इलेक्ट्रिकल का स्ट्रीम पे, तो वो 100 मार्क्स का होगा, उसका टाइम रहेगा 40 मिनट्स। तो उस इसका क्लियर करने के बाद आपका इंटरव्यू होगा। देखिए आप कितना परसेंट आप परसेंटेज आपको वैरी करेगा सब एग्जाम का। फेज वन का कोई परसेंटेज आपको वैरी नहीं करेगा, वो सिर्फ आपका प्रिलिमिनरी एग्जाम है, वो सिर्फ आपको फेज टू में जाने के लिए उसको क्रैक करना होगा। फेज टू का जो आपको मार्क्स मिलेगा उसका 85% और फेज और आपका इंटरव्यू का 15% लिया जाएगा फॉर योर फाइनल सिलेक्शन। तो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये आपका सर्विस कंडीशन, पे एंड अलाउंसेस। तो आपको प्रोबेशन पीरियड में पहले 2 साल रखा जाएगा, उसके बाद आपको परमानेंट किया जाएगा। तो देखिए आपको बहुत सारे अलाउंसेस मिलेगा, जैसे कि ग्रेट अलाउंस, स्पेशल अलाउंस, डियरनेस अलाउंस, फैमिली अलाउंस, लोकल अलाउंस, बहुत सारे अलाउंस मिलेगा। एक एग्जांपल दिया है, अगर आपका पोस्टिंग मुंबई में होता है तो अगर आप एकोमोडेशन नहीं लेते तो 92,000 पर मंथ मिलेगा, अगर आप एकोमोडेशन लेते तो 62,000 पर मंथ मिलेगा। उसके साथ साथ बहुत सारा बेनिफिट है, जैसे कि लीव फेयर कॉन्सेशन, मेडिकल एक्सपेंसेस, आई रिफ्रैक्शन, एजुकेशन अलाउंस, फिनेंशियल डायलिस, बुक ग्रैंड ब्रीफकेस, कॉन्वीनियंस एक्सपेंस, हाउस क्लीनिंग अलाउंस, स्टाफ फर्निशिंग स्कीम, स्कीम फॉर परचेसिंग कंप्यूटर, सब्सिडाइज लंच फैसिलिटी, बहुत सारा आपका फैसिलिटी मिलेगा इस जॉब पे। तो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जामिनेशन सेंटर्स। तो फेज वन के लगभग इंडिया के सभी पॉइंट पे आपको मिल जाएगा, मगर फेज टू में आपका बस इसी पॉइंट पे आपका एग्जामिनेशन सेंटर पड़ेगा, इसी जगह पे। तो अभी बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फी के बारे में। तो एप्लीकेशन फी जेनरल एंड ओबीसी के लिए 850 रुपीज़ और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए एग्जेम्प्टेड नहीं है, 100 रुपीज़ आपको भरना पड़ेगा। तो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है आपका ये, देखिए यहाँ पर एक बंदोबस्त किया है, प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग फॉर एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स। अगर आपको प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग करना है तो आपको इस फॉर्म को आपको भरना पड़ेगा, भर के स्कैन करके इस मेल पे भेजना पड़ेगा। तो एससी एसटी पीडब्ल्यूडी वाले इस फॉर्म को फिलअप कीजिए और स्कैन करके भेज दीजिए, तो आपको एक प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग मिलेगा यहाँ से, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और इस सेंटर में आपको होगा मुंबई, कोलकाता, चेन्नई या न्यू दिल्ली सेंटर में आपका ये प्री एग्जामिनेशन टेस्ट होगा, मतलब टेस्ट नहीं ट्रेनिंग होगा। तो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है, आप अप्लाई कैसे करेंगे। तो ये सब गोली मारिए, ये सब देखने का आपको ज़रूरत नहीं, आप अप्लाई कैसे करेंगे मैं दिखा दूंगा। बस यहाँ पर देख लीजिए, आपको ये सब स्टेज होगा, पहले आपका एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फिर आपको फीस भरना पड़ेगा, उसके बाद आपका फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इंप्रेशन एंड हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन। तो हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन क्या है, तो ये आपको लिखना पड़ेगा, लिख के स्कैन करके आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो ये सब दे दिया है कि कितना कितना आपको साइज में अपलोड करना पड़ेगा, तो ये थोड़ा चेक कर लीजिएगा, आपको ये साइज में आपको सब लेफ्ट थंब इंप्रेशन सिग्नेचर का आपको अपलोड करना पड़ेगा ये साइज के अंदर ही। तो अभी देख लेते हैं सिलेबस के बारे में। तो फेज वन के लिए आपको अवेयरनेस अबाउट सिक्योरिटी मार्केट के जो सिलेबस रहेगा, तो वो ये पॉइंट रहेगा, ये पॉइंट आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट जो आपको रहेगा फेज टू के लिए फॉर जेनरल स्ट्रीम के लिए सिक्योरिटी मार्केट से, आपको ये पॉइंट देख लेना पड़ेगा, आपको ये पॉइंट आपको सिलेबस में है। और फिनेंशियल सेक्टर में फॉर लीगल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स पे आपको ये पॉइंट देखना पड़ेगा। तो ये आपका सिलेबस में थोड़ा चेंज है इस साल से सेबी का। और पेपर टू राइटिंग इंजीनियर, पेपर टू इंग्लिश राइटिंग स्किल में आपको ये सिलेबस रहेगा, और पेपर थ्री में आपको ये सिलेबस रहेगा। तो ये आप थोड़ा देख लीजिएगा सिलेबस, पूरा एकदम डिटेल्स में सिलेबस दे दिया है। तो गाइस जिसका जिसका रिक्वायरमेंट मैच कर रहा है अप्लाई कीजिए, यह बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो अप्लाई करने के लिए आप मेरे वेबसाइट पर आ जाइए, मेरे वेबसाइट पर आके बस क्लिक हेयर यहाँ पर क्लिक कीजिए,
तो जब आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो आपको डायरेक्ट ये रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज में आके आप क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन कीजिए। न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपको ये पेज ओपन हो जाएगा। तो इस पेज में सब आप फिलअप कर दीजिए। देखिए यहाँ पर सब स्टेज दे दिया है। पहले आपको बेसिक इन्फो देना पड़ेगा, फिर फोटो एंड सिग्नेचर, डिटेल्स, रिव्यू, अपलोड्स, पेमेंट। तो ये स्टेज फॉलो कीजिए और अप्लाई कर दीजिए, ज़्यादा टाइम नहीं है। सो दैट्स इट गाइस, बेस्ट ऑफ लक। तो गाइस जाते जाते एक थम्स अप दे के जाइए अगर आपको अच्छा लगा है तो, और शेयर कीजिए इस वीडियो को और भी स्टूडेंट को जानने का मौका दीजिए, और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को बिकॉज आई विल पोस्ट दिस टाइप ऑफ वीडियो इन फ्यूचर ऑल्सो। सो सब्सक्राइब माई चैनल, इस फैमिली में जुड़ जाइए, एंड आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू पोस्ट वीडियोज़ इन एवरी डे।